स्वामी प्यारी भूला अब मैं कहा जाऊंगी हम डूबी मर गए गंगा जी यही माँ गंगा है इसी में डूब कर मर जाऊंगा लेकिन यही उदल था कि काबर किला में उदल का देखकर जिस रास्ता से उदल जाता था घर घर थी रसता मैं लग गई भूकई छले दुनिया में आये पापी के कोई सहारा छई गई करो माँ गंगा का हिलोर आएगा इसमें राम नाम कर
डूब जाऊंगा। ठीक है, न रहे बास न बाजे बंसी, क्योंकि कली कलयुग पीछा किया है। बैठो। ठीक है, एक बार मैं भी विनती करती हूँ माँ से, मेरी आवाज सुनेगी कि तुम्हें है ना अपनी लहर लेना, जो जूझती मैं आपके गोद में जरूर चली आऊंगी माँ। स्वामी, इंदल का आवाज आ रहा है। हाँ, आवाज तो इन्हीं का लगता है, लेकिन हम दोनों को पीछा कर रहे हैं। मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा मस्तक फट रहा है, इस समय दुनिया में कोई नहीं है। चाचा क्या करा
पर हमें का। सब दिन मैंने आपको कमैया खा करके इतना बुरा हुआ, आज आप मुझे छोड़ करके आया, ऐसा बिगड़ आप हो गया, एक पत्र भी नहीं दिया अपना बेटा को, एक समाध नहीं दिया। मैंने इस संसार में खोजते खोजते कहां से कहां तक आ गया। लटारम का छोरो, मेरा विचार है माँ गंगा में डूब कर मैं मर जाऊंगा, तुम चले जाओ, नहीं तो मेरे साथ डूबना है तो वो क्या निपुत्र हो जाएगा मोहब्बत का, मेरा विचार से तुम चले जाओ। नहीं, मैं आपके साथ में डूब कर मर जाऊंगा। ठीक है, तुम फूल लोड़ के लाओ, मैं पूजा करूंगी माँ गंगा का, इस श्रेय गंगा में लाभ लेकर मैं अपने जान को हत्या करूंगी। क्यों नहीं, आप और मेरे चाची बैठिए, मैं इस गंगा किनारे में फूल लेकर के माता गंगा को पसंद करके माँ गंगा से याद करूंगा। मेरी चाची हाँ भी जाएंगे, मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ, जाओ सुंदर सुंदर फूल लोड़ के लाओ और ताकि हम तीनों प्राणी मिलके जरूर बाबा के मंदिर में जाके पूजा करूंगी। क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं माँ गंगा के तट पे फूल लोड़ता हूँ। आगे फूल अब
माँ गंगा, आप साथी रहना मेरी माँ।
से इसका दाह संस्कार करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आती है स्वामी। कैसे दाह संस्कार कीजिएगा? इंद्र तुमने क्या किया? तुम क्या आया? इंद्र अब मैं क्या करूं यहां? सकती हूँ शादी? तेरा पति कितना बलवान था जो
बना देता था, जो तुम्हें सुंदर नारी को देखता था उसका डोला नगर महपाल लाता था। दुनिया वालों कहता था कैसे तेरे को थम्भा होता है, वैसे उदल का दंगा है, धोबी का घाट कैसा पीछिया कोरा लगता है। आज मैंने वो उदल को केले को दंगा जैसा, थोबिया को घाटा जैसा, पिठी को करेगा क्या आप, तुम क्या करेगा कलिकल युग आपको छाती सीना दिखाता है पाजी। आप जाने टाइम उदल का हो गया, तुम्हारे ऐसा का चलती था साले समय तेरा ले लेता है। ना मरने देंगे ना जीने देंगे, हुकुर हुकुर तुम तड़पोगे। कान खोल कर सुन लो पाजी, अपनी हाथों से तेरा अपनी पत्नी को नदी गंगा में बलिदान करना होगा। क्या सोचते हो कि अपनी हाथ से कत्ल करेगा तो दुनिया वालों कहता है तिरिया को मारने से तिरिया वध लग जाता है। दुनिया वाले नहीं कहा है कलयुग, क्या कहता है जिसमें उदल बनारस में दादा सैयद का बात पास था, मेरे दादा ने कहा क्या कहा भागे हसामी के देखा तू ना घर है ना को तिरिया के तू हत्या कर है अपना तिरिया को हजारो बाला बहने क्या बली है या। उदल का साला तो तैयार हो जाओ, देखो सोचो अपना भलाई को बुराई नहीं कर।
होना चाहिए। एक दिन होता ना सब दिन एक समाना, पलटी खाता है तो कितने बलवान है तो उसका धरती में तह लेना पड़ता है। ये सोचो नदी गंगा में इस समय तेरा बेटा मर गया है, मैंने वही काला सर्प नाग बनकर बगीचा के अंदर मैंने डंस किया, तेरा हाथ से आप तेरा पत्नी को नदी गंगा में भोग चढ़वाऊंगा। क्या विचार है, समय को देखो। मैं तैयार हूं। ठीक है, इसको आंख में पट्टी को लगा दो। बोला तूने शादी नहीं किया तो अपने पति को हाथ से इन नदी गंगा में भोग को चढ़ो। क्या विचार है, मरने से डरता है तो मैं कहता है मैं सत्यवर्ती नारी हूं, मारंग वाली नारी नहीं सत्यवर्ती। मरने से नहीं डरती हो, इस दुनिया में किसी के साथ शादी करने से अच्छा होगा। हे स्वामी आपके हाथों में बड़ी हो जाएगा इस दुनिया में। सर को लटकाओ, सर धर तेरा अलग होगा, शोक खुला कोई नहीं रहा तेरा दुनिया में, गिला महबूब में भाभी देवर को नाता मायने तेरा थल से कपट से दुर्गा को रूप धारण करके मैंने सपन दिया सोना को भवन में, मैंने जंगल में जाकर तेरा सपन दिया मस्तक पर जिसका हाथ रखता है कली कलू भस्म हो जाता है। ठीक है कलू, तुम्हारा अभिलाषा जरूर पूरा होगा। हे स्वामी आज तेरे हाथों मेरी बलि हो रही है, ये तो सत्य ये है तेरा चलना। स्वामी मेरे गोरदन पे हेलो ये चोर लगाना भूला।
मैं एक दो तीन तक गिनूंगा, तीन तक गिनूंगा, इसका सर पर तेगा चलाना। कैसा अफसोस का बात है, सोच लो उदल, ये नदी गंगा में एक तेरा भातिज इंदल का लहस पड़ा हुआ है, एक तेरा हाथ से तेरा पत्नी का कत्ल होने जा रहा है। कैसा भागा सहला चला, पत्नी का कत्ल हो जाते तो अच्छा होता, उधर का गुमान डर जाते। मैं कहता हूं ये समय नदी गंगा से भाग जाओ धर्मराज, हे भागो भागो हो धर्मराज, नहीं है पाजी का कल्याण कल्याण। एक कहावत है, कहिए अरे जा के राखे साया, मार न सका कोई, बाल न बका कर सके, जो जग बोली हुई। धर्मराज जिसका रखवाला स्वयं नारायण है, धर्मराज है, तुमसे क्या बिगाड़ सकता है? मैं बिगाड़ सकता हूँ? कभी नहीं। चलो मेरा साथ तेरा दुख करना होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो कलियर कलयुग कान खोल के सुन लो, उसके बदला में तेरा भोग चढ़ जाएगा नदी गंगा में। तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो क्या विराज के साथ में युद्ध कर सकूं? मैं अपने तपोबल से होगा प्रकट करता हूँ, पहला तुम उसके साथ युद्ध करो, उसके बाद मेरे साथ में युद्ध करो। तैयार हो जाओ। ओम
नमः शिवाय। झुकाऊंगा तो मेरा नाम धर्मराज, मेरा क्षमा कर दो, मेरा क्षमा कर दो। और उसके बाद मैं किस लिए 51 किला में सताया हूं, मेरा भाग चाहिए धर्मराज, कल जुग मेरा भाग देना होगा। अगर तुम्हारा इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। बताइए धर्मराज, वहां मैं भाग लेने तैयारी रहूंगा। कली और कलयुग का वासना होगा दारू भट्टी में, रंडी खाना में, जुआबाजी में, वहीं पर तुम्हारा दोनों भाई का वासना होगा। क्या है धर्मराज, मैंने हार गया, आपने जीत गया। जो हार जाता है भगवान कौन है भाई, चलो जहा क्यों नहीं है दारू भट्टी हो, जहां देसिया खाना क्यों नहीं भैया जी, जहां सोना का ढेर होगा। इस दुनिया में राजमोह बहुत सुन पड़ गया हूं बेटा, इंद्रजीत कैसे हो आप बताइए ही बाबा। बेटे बोला, हाँ मैं अपने शक्ति से अपने तपोबल से तुम्हारा जो भतीजा है उसे मैं जिंदा करता हूँ। और उदल से कहो किसी माँ गंगा में डुबकी लगाए, उससे उसका शरीर पहला की तरह पवित्र हो जाएगा, ठीक है, कंचन हो जाएगा। आपकी बातों को मैं नहीं काटूंगी और ऐसा ही करूंगी।
बेटी फोड़ा ए मस्त बच्चे तुम लोग यहां से नगर महुआ चले जाओ अपने राजपाट को संभालना ठीक है आपकी बातों को नहीं कह सकती हूँ जोगे जोगे नाम लूंगी अपनी राज को चलिए मैं यहां से किला पिंजरी जाऊंगा देश देवा का साथ मिलूंगा इसके बाद मैं बनारस जाऊंगा दादा सैयद का लूंगा तब जाएगा किला मोहब्बा हम जिंजीरा किला देवी कन्या है किला मोहब्बा जरूर हम भैया कर देवी हम सीना के
मैं यहाँ से नगर मोहब्बा को जाऊंगा, सबसे पहले बंटवारा करेगा मेरे पिताजी, दो है भयारी में, मेरे चाचा और मेरे पिता को बंटवारा जब हो जाएगा आधा आधा राज्य को, तो मैं अपने माता और पिता से आधा बंटवारा करूंगा। तब जंजीरा गिराएंगे हम पिता आल्हा साथ में, जब मेरे चाचा और पिता को बंटवारा होगा तो फिर आधा हिस्सा मैं लूंगा अपने पिता से, क्योंकि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया मेरे पिता, जिसका कमैया खा करके बप्पा का सम्राट बना था उनका बहुत सताया, इसलिए मैं उनसे फटवारा लेकर के अपना चाचा के साथ में रह करके अपना जिंदगी और जिंदगानी को गुजारा करूंगा। कहीं पे कायर को जाना नहीं गंगा, है मजा हम चखा देंगे भैया अपना दादा भैया पड़ता है पिंजरी पड़ता है पिता का मकान, बेटा कहा या भीखम जाकर देवा पंडित है मेरा नाम मीरान जी महाराज। अरे आजकल तू ड्यूटी छोड़ करके कहाँ रहता है महाराज? ड्यूटी बनाते हैं हम भी, 7 नंबर गेट पर हम था। देखो मैं जात का ब्राह्मण हूँ। हाँ महाराज, मुझे मेरा टाइम हो गया है पूजा पाठ का, तब तक तू ड्यूटी करो, मैं स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ। ठीक है महाराज, जाइए मैं आता हूँ। जी महाराज, देवा पंडित से कहना कि उदलाया किला पिंजरी के अंदर में। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ अपने महाराज के पास। बातें क्या है मिरन? उदल महाराज आया है आपसे मुलाकात करने के लिए। उन्हें आदर के साथ भीतर प्रवेश किया गया। Yeah.
कहा जाएंगे? भाग्यवंदन। आगे बताइए भाई जंगी। क्या बताओ अभिनंदन, क्या मोहब्बत जाना है? बातें क्या है, किला मोहब्बत जाना है? पहले तेरा मालूम नहीं है? नहीं मुझे मालूम नहीं है। तेरा सामने में मेरे भाभी ने श्राप को दिया था, आप दारू पीकर भूल गया? नहीं भाई जंगी, पहले पापा नहीं जाना है भाई जंगी, पहले दादा सैयद के पास चलिए बनारस, वहां से दादा सैयद को लेंगे, उसके बाद पापा किला जाएंगे, भैया आला से बातें करेंगे। क्या बात करेंगे? बात करने का जगह होता है, जगह बच्चा भैया नहीं रहने दिया भाई जंगी। दादा सैयद रहेगा फिर ठीक रहेगा। दादा बात करने के दादा सैयद क्या करेगा? जो गति हुआ है मेरे सामने मेरे चाचा को मैंने देखा है, यदि आज ओ गति आपको या दादा सैयद को होता, आप कभी नहीं कहता कि आज दादा सैयद को दूसरा को पास चलो। मेरे चाचा से कहा चलो सीधा मोहब्बा, पहला संग्राम करेंगे मोहब्बा पे। उन्होंने कहा नहीं मेरा दोस्त है, मैं उससे मिल करके जाऊंगा। खुद खोल रहा है इसे। बात मैं समझ गया बेटा इंदर, दादा सैयद को साथ में लेंगे फिर मोहब्बा जाएंगे। हम घेर घेर मारेंगे मोहब्बा में, अपना दादा और माता सोना के चाचा देवा रंगी होके ठंडी गाड़ी होके चबाई पान, जिंदा मर्द को मोचने लगा रहने दिया, क्या चलेगा मर्द का जवान? बेटा इंदर कलंक लगा दिया नगर भत्ता का अंदर में मेरे चाचा का ऊपर, जिसका कवैया सबदार खाया करता था, जिसको हाथों से डोरी आई थी मेरी माँ को क्या उन्हें नहीं चिन्हा? हथियारों के बच्चे हम हमारा भाई चाचा वो नगीनी करेगा मेरे चाचा और मेरे पिता। क्यों नहीं बेटा इंदल, ओ दोनों का बंटवारा हो जाएगा, फिर मैं अपने पिता से आधा हिस्सा लूंगा और चाचा और चाची के साथ में हिस्सा लेकर के रहूंगा। क्यों नहीं बेटा इंदल, चलो किला बनारस। हे जय जगदम्बा मैया जय।
चरणों